नमस्ते, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। कोरोना वायरस की नई लहर ने चीन में तांडव मचा दिया है। सभी बड़े शहर कोरोना की चपेट में हैं। दावों के मुताबिक चीन में रोजाना कोरोना के 10 लाख मरीज सामने आ रहे हैं और 24 घंटे में करीब 5,000 मौतें हो रही हैं। चीन में कोरोना की सबसे बड़ी वजह जीरो कोरोना पॉलिसी को माना जा रहा है। अस्पतालों और क्लिनिक्स के बाहर लंबी कतारें दिख रही हैं। लोग अस्पतालों में बेड के लिए तरस रहे हैं। हर जगह सिर्फ लाश ही लाश। लोग अपने परिजनों के लिए रोते बिलखते और दौड़ते भागते दिख रहे हैं। कोरोना ने चीन की हेल्थ सिस्टम को किस तरह से बिखेर कर रख दिया है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कोरोना ने चीन के हेल्थ सिस्टम का क्या हाल कर दिया है, इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। इस वीडियो में दीवार के सामने कुछ लोग स्टूल पर बैठे हैं। ये सब के सब कोरोना संक्रमित हैं और दीवारों के ठीक सामने पैरों से तार बांधा गया है और उसी तार से ड्रिप लगाकर उनका इलाज किया जा रहा है। अस्पतालों में जगह न मिलने की वजह से इन्हें अस्पताल के बाहर ऐसे रखा गया है। ये वीडियो चाइना के एक बड़े हॉस्पिटल के सामने की है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शाम होते होते मरीजों की संख्या भी बढ़ती दिख रही है। ऐसे में कोरोना ने चीन की किस तरह से स्थिति बद से बदतर कर दी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में लगभग 37 मिलियन यानी कि 3,70,00,000 लोग एक ही दिन में कोविड-19 से संक्रमित हो सकते हैं। चीन का मौजूदा स्थिति दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप बनता दिख रहा है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की बुधवार को हुई एक आंतरिक बैठक के अनुसार दिसंबर के पहले 20 दिनों में लगभग 248 मिलियन लोग या लगभग 18% आबादी के वायरस से संक्रमित होने की संभावना है। ब्लूमबर्ग ने बताया है कि अगर ऐसा होता है तो संक्रमण दर जनवरी 2022 में स्थापित लगभग 40 लाख के पिछले दैनिक रिकॉर्ड को तोड़ देगी।